माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, आखिरी दम तक करते ही रहते हैं। हे भाई और बहनों, और बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, काबिल बन जाते हैं, तो माता पिता और भी खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए और काबिल बन गए, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। हे भाई और बहनों, फिर बच्चे जो है शादी करते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो माता पिता और भी खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे की शादी हो गई है, अब उनका अपना बच्चे आ गए हैं, उसे देख के, अपने पोते को देख के और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं माता पिता। हे भाई और बहनों, उसके बाद में जब उनका घर बनता है, उसके बच्चों का, और कभी कभी कारें खरीद लेते हैं कभी कभी, तो देखते हैं कि माता पिता ये सारी खुशी अपने बच्चों में देख के इतना खुश होते हैं कि उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। हे भाई और बहनों, आपके घर में भी ऐसा ही हुआ होगा, आपके बच्चे जब पैदा हुए होंगे आपने भी इसी रीति से खुशी मनाई होगी, और आपके बच्चों का बर्थडे करने के लिए आपने पता नहीं कहां कहां से पैसे लिए होंगे, आपने भी शायद अपने बच्चों की शादी करने के लिए कितना ही कर्जा कर दिया होगा, आपके बच्चे जब तरक्की करते हैं तो आपको कितनी ही खुशी हुई होगी, आपके बच्चे जब कुछ लेते हैं, घर खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको कितनी खुशी हुई होगी, वो आपका बच्चा करता होगा लेकिन खुशी जो है माता पिता को हुई होगी। हे भाई और बहनों, बच्चे माता पिता तब खुश रहते हैं जब बच्चा उसका तरक्की करता है, अपने पैरों के ऊपर, अपने बल के ऊपर खड़ा हो जाता है। हे भाई और बहनों, पर बच्चे की जब शादी हो जाती है और थोड़े दिन के बाद अगर वही बच्चा अपने माँ बाप को श्राप देने लगे, वही बच्चा अपने माँ बाप को अपना बोझ समझने लगे, वही बच्चा अपने माँ बाप को मारने और पीटने लगे उनके बुढ़ापे में, तो भाई और बहनों, दुनिया में माता पिता के लिए नरक में जाने से पहले वो धरती के ऊपर ही वो नरक को देख लेते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से द्वारा हमसे बात कर रहा है, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका जीवन कैसा है, आप कैसा जी रहे हो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो, अगर आप सेवा करते हो, अगर आप परमेश्वर का वचन सुनाते हो, परमेश्वर के घर में ठहर के आराधना कराते हो, अगर लोगों को वचन सुनाते हो, तो भाई और बहनों, अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आपके माँ बाप आपके लिए बोझ बन गए हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अगर आप अपने माँ बाप माता पिता को पीटते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बाप से बात कर रहा है। अगर आप अपने माता पिता को श्राप देते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि जो अपने माता पिता को मारता है वह निश्चय मार डाला जाएगा। परमेश्वर के नियम के अनुसार यह लिखा गया है कि वो निश्चय जो है मार डाला जाएगा। हे भाई और बहनों, बहुत ही प्यार से परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए, आपने पाल पोछ से बड़ा कर दिया, लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि मेरे माता पिता ने मेरा ख्याल रखा, मुझे पाल पोछ के बड़ा किया है, इसलिए मुझे उसका भी ख्याल रखना चाहिए। हे भाई और बहनों, हम तो बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है कभी कभी जिनको बच्चे नहीं होते हैं और वो बच्चों को जो है ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसे पाल लेते हैं, लेकिन जब हो जाते हैं बड़े वो ही बच्चे, तो वही बच्चे जो है अपने माता पिता को जो है अनाथ आश्रम में जाके छोड़ आते हैं, इसलिए क्योंकि वो माता पिता जो है उनके लिए बोझ बन जाते हैं। है भाई और बहनों, क्या हम परमेश्वर के लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ऐसा करना चाहिए? हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। और नीति वचन 20 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है, वह घोर अंधकारा हो जाता है। हे भाइयों बहनों, माता पिता को कोसना
उन्हें गाली देना, मारना, पीटना, हे भाई और बहनों, ये बच्चों के लिए जो है श्राप बन जाता है। वचन में लिखा है कि उसका दिया जो है बुझ जाता है, वो घोर अंधेरे में जो है चले जाता है। हे भाई और बहनों, घोर अंधेरा मतलब वो नरक में जो है जाने के काबिल बन जाता है। हे भाई और बहनों, एक बार सोच के देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमारा ख्याल नहीं रखा होता तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान नहीं दी होती तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपना खोल आज बहाया नहीं होता तो शायद हमें पवित्रता ना मिलती, उद्धार ना मिलता और स्वर्ग में जाने के लिए मार्ग ना बनता। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे मुझसे प्यार किया है, इसलिए उसने आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग में जगह बना के रखी है ताकि मेरे बच्चे जो है मेरे साथ रहें। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अब आपके लिए मेरे लिए ये सब ना किया होता तो शायद आज हम दुनिया में जो है बर्बाद हो जाते, उसमें मिल जाते और एक दिन नाश हो जाते हैं।